बीएसपी की प्रतिनिधि यूनियन का चुनाव जीतकर बीएमएस ने पहली बार जीत का परचम लहराया है। इंटक और सीटू को कड़ी टक्कर देकर बीएमएस ने जीत हासिल की है। इंटक दूसरे और सीटू को तीसरे स्थान पर रहकर संतुष्ट होना पड़ा है। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने इतिहास रच दिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रतिनिधि यूनियन के संपन्न हुए चुनाव में भारतीय मजदूर संघ ने यूनियन चुनाव जीत लिया है। इंटक और सीटू को कड़ी टक्कर देते हुए बीएमएस ने ये बड़ी जीत हासिल की है। 2019 के चुनाव में बीएमएस तीसरे स्थान पर थी, मगर इस बार कर्मचारियों ने परिवर्तन कर दिया है। 2019 के यूनियन चुनाव में बीएमएस को 1880 वोट मिले थे। इसके बाद यूनियन ने पदाधिकारियों की नई टीम बनाई और चुनाव जीत लिया। देर रात चुनाव परिणाम आते ही बीएमएस के लोगों ने फटाके फोड़कर और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मनाया। जश्न का यह सिलसिला अल सुबह तक जारी रहा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत की शुभकामनाएं दी। बीएमएस से अध्यक्ष आरपी मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष चिन्ना केशवलू और महामंत्री रवि सिंह ने जीत हासिल की। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। हमारे संगठन मंत्री योगेंद्र दत्त मिश्रा जी जो है 10 दिन से यहाँ भिलाई में डेरा डाले हुए हैं, और हमारे फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं रंजय जी, वो भी बोकारो से यहाँ आए हैं। पूरे स्टील फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं उनको बोल भी रहा था कि आप अगर यहाँ नहीं भी आएंगे तो चलेगा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पर वो बोले कि नहीं, मैं जो है किसी भी हाल में भिलाई आऊँगा। और इस चुनाव के समय हम लोगों को जो है हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं रंजय जी, हमारे धर्मदास शुक्ला जी, हमारे योगेंद्र मिश्रा जी, सभी लोगों का हम लोग को मार्गदर्शन मिला। यहाँ के युवा साथी और वरिष्ठ कर्मचारी गण को विश्वास दिलाता हूँ, भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस, आपने जिस सहयोग और आशीर्वाद से, जिस आस्था से हम पर विश्वास किया और हमें बहुमत से जिताया, उसके लिए मैं भिलाई इस्पात संघ के सभी सम्मानित कर्मचारी और युवा साथियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में हम जो भिलाई इस्पात संयंत्र की हमारी बीएमएस की घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को पूरा कराने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे आप सबके सहयोग आशीर्वाद से, और आने वाले समय में हम स्थापित होने का पूरा प्रयास करेंगे और कर्मचारी हितों में काम करेंगे। और पूरे 2 साल का अवसर मिला है हमें, आने वाले समय में अगर अच्छा कार्य करेंगे, जो घोषणा पत्र में लिखे उस ताकत से मैनेजमेंट से दबा कर कार्य कराएंगे। हमारे आदरणीय नेतागण भी बैठे हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार विचारधारा की, हम लोग पूरी ताकत से जी जान लगाकर मेहनत करेंगे ताकि दो यूनियन सीटों और इंटक थी जो घोषणा किया था, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, हमारे ऊपर लोग विश्वास किए, उनको नकार कर हमको यहाँ स्थापित किए। तो आने वाले समय में और हमारे लिए संघर्ष और कठिन समय है। अगर जीत बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, जीते एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है, लेकिन आने वाले 2 साल अगर हम उनके प्रति कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनका कार्य करेंगे। परम आदरणीय हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री रंजन जी आज 4 बजे 3:30 बजे रात यहाँ पर बैठे हैं, शायद हम लोग के लिए गर्व की बात है। ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो कि भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है। हम लोग का आज एक बहुत बड़ी सफलता, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सफलता है, भिलाई के लिए नहीं है, पूरे स्टील फेडरेशन के लिए सफलता है, पूरे सेल के लिए है। जो ताकत अभी हमारी सेल में बढ़ी है, ये हमारे युवा साथी, हमारे पदाधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र के जितने भी कर्मचारी, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आगे अगर आज हमको ये सीढ़ी दिखाए हैं तो आगे हम आने वाले समय में अगले चुनाव में और 51% से ज़्यादा वोट, क्योंकि ऐसे ही साथ रहा, अभी तो हम लोग तीसरा स्थान में थे तो तीसरा से पहला है। गौरतलब है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के 13,422 मतदाताओं में से 11,605 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, 86.8% पोलिंग हुई। बीएसपी यूनियन का प्रतिनिधित्व करने वोट डालने मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला था। बहरहाल बीएमएस भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरती है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।